से तुम शुद्ध होके जाओ, हम ये चेक कर लें तुम्हें कोरोना तो नहीं है, क्योंकि तो माँ को पहले चिंता होती है अपने बच्चे की। हम तो पुष्पावती गंगा के बेटा हैं, तो हर बेटा को माँ रक्षा करती है, और आप सब भी बेटा हैं, तो इसलिए वो अपनी आपकी गंदगी को अपने में समा लेती हैं और आपको शुद्ध करके निकाल देती हैं, और कहते हैं कि बेटा आनंद करो, तुम्हारी पीड़ा हमने ले ली है, इसलिए माता का स्पर्श करते रहो, अपने माता का स्पर्श करते रहो, माँ का आशीर्वाद लेते रहो, जिंदगी में फलते फूलते रहोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। उसके पीछे का रहस्य है, जो नीम का वृक्ष है ये आपका बड़ा काम का स्थल है, आप लोगों को पता तो है ही, लेकिन बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है व्यक्तिगत पूछते हैं, और हम व्यक्तिगत बताते नहीं हैं, तो हम ये सार्वजनिक बताते हैं कि पुष्पावती का महत्व तो यह है कि कैसे भी शरीर में पीड़ा हो, कैसे ही शरीर में कष्ट हो, जो व्याधि से, भूत ग्रह से, प्रेत ग्रह से, तंत्र से, मंत्र से, जंत्र से, टोटक से, टाऊ से, नजर से, हाय से, ढीठ से, जो बच्चा बच्ची बेटा बेटी किसी भी क्रिया से ग्रसित है, या रोग दोग भूत ग्रह से, चेचक के दाग भूत ग्रह से, मतलब पेट का दर्द भूत ग्रह से, आपके अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक और चोटी के बाल के नोक तक और वहां से पैरों की धूल तक, आने आदमी का कहूंकी रह जाए, कहीं किसी से नहीं रह दूंगा, नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, और जहां तक परछाई जाती है जो अंग की, वह परछाई में से ये बाधा हरने वाली पुष्पावती गंगा और नीम वृक्ष औषधि का काम करता है। इसलिए पुष्पावती गंगा में स्नान, नीम वृक्ष का दर्शन, नीम वृक्ष से स्पर्श, और नीम वृक्ष को अपने दोनों हाथों से स्पर्श कर लेना चाहिए। हमारे भाइयों को और माताओं बहनों को नीम को प्रणाम करना चाहिए सिर लगा करके, तो ये मान के चलिए कि संपूर्ण निकृप्ति नीम में समा जाती है और आपकी संपूर्ण बाधा नीम में समा जाती है। जैसे बादल तड़कता है, बादल तड़कता है लाइट, और जब वहाँ से लाइट गिरती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो पृथ्वी समा लेती है, जैसे तड़क चालक यंत्र आपकी लाइट को संभाल लेती है, वो घटना को बचा लेती है, उसका जो क्षेत्रफल होता है, तो ऐसे ही पंडोगढ़ धाम के क्षेत्रफल में ये नीम का वृक्ष बड़े काम का है। नीम का वृक्ष को स्पर्श करते ही आपके अंदर की निकटरी को अपने में समा लेता है, क्योंकि ये नीम का वृक्ष ही तो पंडोगढ़ धाम में मूल है, जिस पर पांडवों ने दर्शन दिया। यही पंडोगढ़ धाम तो मूल है, जिस पंडोखर धाम पांडवों के नाम से बना, क्योंकि पांडवों के यहां रुकने के कारण से या पूजा पाठ करने से, सूर्य भगवान की पूजा पाठ करने से, या पंडोखर पांडवों के नाम से बना, तो ये पंडोखर धाम की जो भूमि है लाभदायक ना होती तो पांडव यहां काय को आते, और पांडवों पर बड़ा जैसे संकट था, ऐसा किसी पर नहीं है, ऐसा किसी पर हो तो बता दो। 12 वर्ष के लिए अज्ञातवास में पांडव लोग निकले हुए थे राजा विराट के क्षेत्र में, तब उसको उसी समय के बीच के समय में पांडवों ने पंडोखर धाम में समय बिताया। तो हम सब लोग भी ऐसे स्थल पर जाके रुकते हैं जहां सुरक्षित होता है, जहां पावरफुल होता है कि यहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हमको यहां से सानिध्य प्राप्त होगा, तो इसी प्रकार से यहाँ सानद्य फुल यह पृथ्वी पंडोगढ़ धाम की तप भूमि है कि पांडव लोगों ने यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित समझकर 5 दिन रहे थे। वो हनुमान लला पंडोकर सरकार है, बाकी बिहारी की कृपा से। वृंदावन वासी श्री कृष्ण के आशीर्वाद से पांडव लोग भी पंडोगढ़ धाम में रह करके अपना समय बिताए, पांडव लोग भी यहां रहे, ऐसी पवित्र भूमि को हम सबको नमन करना चाहिए, जहां राजा मरुत भगवान श्री राम जी के पूर्वजगण भी यही भद्रावती नगर के क्षेत्र में 20 योजन के विस्तार में महायज्ञ करके यहां से संतान की प्राप्ति की थी, और वो महायज्ञ की चर्चा पूरे पुराण एवं शास्त्रों में भिन्न भिन्न स्थानों पर पढ़ने पाठन करने पर अवलोकनार्थ जब हम आप लोग पढ़ते हैं, पठन पाठन करते हैं,
तो ऐसे कई जगह आपके आख्यान मिलते हैं जहां पर राजा मरुत के यज्ञों की चर्चा है। भाषा समझना, हम क्या कह रहे हैं, राजा मरुत के यज्ञों की चर्चा है। राजा मरुत ने कोई एक यज्ञ नहीं किया, पृथ्वी पर हजारों यज्ञ किए, लेकिन एक ऐसा यज्ञ किया जिसमें देवता लोग भी समय से पहले ही बोले कि अनुष्ठान आप चाह करो बंद करो, भैया मांग लो तुम्हें कहा मांगने, हम तुमसे संतुष्ट हैं। क्यों, देवताओं को भी इतना हब दिया गया, इतना हब दिया गया, इतनी आहुति दी गई कि देवताओं को भी कुछ क्षण के लिए अजीर्ण रोग हो गया, कपच हो गई, पेट खराब हो गया देवताओं के। तो वो भूमि भद्रावती नगर प्रक्षेत्र है जहां 20 योजन के विस्तार में महायज्ञ किया था। ऐसा कहा जाता है कि कथा तो कल्पांतर की है, कौन से राजा मरुत आए, कौन से यहां कृष्ण आए, कौन से राम जी आए, कौन से गुरुशरण जी आए, कौन से अजय यादव जी आए, कौन से भैया अजंत गौर जी आए, कौन से विकास दुबे जी आए, कौन से भैया राजा पाल जी आए। मेरा कहने का मतलब है हजारों राजा पाल हर गांव में है, हर गांव में भैया अजय शर्मा जी है, हर गांव में अजंत गौर है, हर गांव में गुरु जी, पंडो का सरकार तो नहीं है लेकिन गुरुशरण नाम के लोग हैं, है ना। तो हमारा कहने का मतलब है योग योग के अनुसार जन्म जन्मांतर होते रहते हैं, परमात्मा किसी ना किसी रूप में आकर सैंपल देकर चले जाते हैं। हमारे आपके सबके बीच में भी धर्म ग्रंथों में अनेक ऐसी चर्चाएं आती हैं। तो यदि कोई मूर्ख व्यक्ति कहता है कि कौन से राजा मरुत, भैया जो समझो वही राजा मरुत, और नहीं समझ में आई तो भैया तुम्हारा कछु नहीं है, हमारा से कुछ आप घरे जाओ, भैया हमारे पास टाइम नहीं है कि हम तुमको बार बार समझाते रहे, हम इतनो जानते हैं, तुम्हारे पास बब्बा के बब्बा को ना जानते हो तो हम नो आओ, और नहीं जाना तो घरे बैठो, जहां से तुम्हें पता नहीं है वहीं से तुम टपके। अब तुम बगैर बीज के आए कहां से, बस इतना हमें बता दियो। इसलिए हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों की जानकारी रखना चाहिए कि हमारे पूर्वज आए कहां से, कितने पूर्वज हुए, लेकिन ज्यादा ज्यादा यहां पर राजस्थान के लोगों को छोड़ करके हम जो बताते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो अपने दो चार पीढ़ी के नाम जानते हो, नहीं तो अपनों अपने पापा को अपने बब्बा को और बस सीताराम बोले पता नहीं है को कहा। लेकिन राजस्थान के लोगों के पास तो हमने ऐसा देखा है कि 15-15, 20-20 पीढ़ियों के ब्यौरे मिल जाते हैं, जब हम बताते हैं कहते हैं हमारा जब सही कह रहा है कि हमारे पापा ये थे। तो ये परंपरा वृक्ष बचाने की परंपरा कहीं देखने को मिलती है तो आपके राजस्थान में देखने को मिलती है। और आज भी अयोध्या में जो निर्णय आया तो उसमें राजस्थान की भूमि का बहुत बड़ा महत्व निकला, और राजस्थान की भूमि ने ही अयोध्या का प्रमाण दिया कि हम उस वंश के हैं, लो लेख। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, तो वंश वृक्ष की जानकारी सबको होना चाहिए। ऐसे ही हमको अपने पंडोकर धाम के तीर्थ के वृक्ष के विषय में जो भी ज्ञात है वो सब पूर्व स्मृति के अनुसार और बाबा का आशीर्वाद और जनश्रुति जो कहती है वही मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से बोलता हूं। और जिनने देख लिया जान गए वो मान गए, जो जाने नहीं वो माने नहीं, इसलिए जो जानने के लिए आए हैं उनको जना दिया जाएगा, जो नहीं जानना चाहते उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से ही जानते हैं, जो भी जानते हैं उसी में धन्यवाद। साथी पंडोकर सगा के दरबार में बहुत लोग अच्छे लोग आए हैं, दिन प्रतिदिन हमारे भक्तों में निखार आता जा रहा है और दिल भी मजबूत करके बैठे हैं कि भैया नंबर तो आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि हमारे गुरु जी इसमें पीछे नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की व्यवस्था है, बेचारे घर पे जाना है, घर में अकेले हैं, बच्चे छोड़ के आए, तो चिंता मत करो, चले जाना, नंबर आपका आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। अब तो रेसल पूरी होती जा रही है, 2-3 महीने में सिस्टम में आ जाएंगे कि जो इस महीने में आएंगे उनका नंबर अगले महीने में आएगा, जो अगले महीने आएंगे उसका नंबर अगले महीने में आएगा। और उसमें भी क्लियर हो जाएगा, प्रतिदिन आपके फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से पता लग जाएगा कि कल परसों आप कौन से नंबर आने वाले हैं, एक दिन के पहले जानकारी हो जाया करेगी कि आप जो नंबर चलेंगे, और संख्या अधिक होने पर बता दिया जाएगा कि 2-3 दिन के अंतर से आगे वाले को आना है, समय बढ़ा दिया गया है। देखिए भैया बताओ ईमानदारी से, सत्य बताना, आप लोगों को दुख होता होगा नंबर नहीं आते हैं, होता तो होगा, होता है ना। ये आप बताओ, क्या हम आपको कहीं घूमते फिरते दिख रहे थे बाहर, तो आपको यह भी तो सोचना चाहिए, भगवान के मंदिर में जाके बैठ जाना चाहिए कि हमारे गुरुजी को ताकत प्राप्त हो, हमारे गुरुजी को हिम्मत प्राप्त हो, हमारे गुरुजी को एनर्जी प्राप्त हो। लेकिन नहीं, हमारे कान के पीछे पकाते हैं,
सुबह 5 बजे से जय पंडुक सरकार, जय पंडुक सरकार। हम भड़बड़ा के उठे, हमने की बज के थे क्या भैया, देखा हमने के भैया में तो 6 बजे हमने जल्दी से बाहर गए, आंखों पे पानी फेंका, नींद में ही बोल दिया कि भैया आ जाओ जे नंबर के बैठ जाओ। मैंने अभी आपने देखा होगा कि मैं निरंतर घोषणा करने के बाद तो तुरंत बैठ गया और मैं बराबर हाथ चला रहा हूं। ये हाथ एक ही है, ये गुरुस्तरण एक ही है, यदि डुप्लीकेट होते दो काम चल जाते, लेकिन ऐसा है ही नहीं, दुनिया में एक ही है। अब हमें तो काम करने चाहे आज करें चाहे कल करें, ताकि नौकरी कर रहे हैं और नहीं अभी यार सस्पेंड। और यहां तो फाइल होनी चला कि भैया अपील हो जाए, यहां तो सस्पेंड तो सस्पेंड। हम तो भैया ईमानदारी से बताएं पांडे जी, आप तो पत्रकार इतने से जुड़े हो और सब लोग सुन रहे हैं जो देखते हैं हमको लंबे समय से, जितना हम अपनी नौकरी करते हैं अच्छे से, जितना हम डर के काम करते हैं, इतना अधिकारी भी नहीं करता है। मैं 24 घंटे 18 घंटे लगातार बैठता हूं, पानी भी नहीं पीता हूं, चाय आ जाती है तो ठंडी हो जाती है। और उसी में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनके चेहरा देख के बताना पड़ा, देखना पड़ता है। मिलने के को आ गए, बोले गुरु जी के फूफा जी आ गए, यदि मना करे तो दिक्कत, बुआ को परेशानी। बोले अब को आ गए, बोले गुरु जी के भेनोई साहब आ गए, नहीं देखा तो बोले बहन परेशान। मैं नहीं सही कह रहा हूं भैया, मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो देख रहे हैं हमको, जो आने वाले अगली बार कृपया करके ऐसा करना कि अब हम पट्टी बांध ले हैं रिश्तेदार के नाम की, अब हम नहीं जानत कहूंगा। आओ तो रुकने की व्यवस्था मिल जाए, भोजन की प्रसाद की व्यवस्था सार्वजनिक है, बढ़िया हॉल खुले हैं तो आराम से लेटो। अब तो गर्मी आ गई तो 4 महीना आराम से खूब गार्डन में लेटो। आने का गुरु जी ने व्यवस्था ही नहीं करी, अब कहां से करें, इतना बड़ा परिवार बैठो, एक एक कमरा भी जाएगा तो नहीं भूल होगा, कमरा तो छोड़ो एक एक फुट जमीन नाम तो नहीं बैठा भक्त यहां। लेकिन धन्यवाद अपने भक्तों को, शिष्यों को, और उनको जो पंडोगढ़ धाम में यहां विकास के कार्य में लग गए हैं। हम तो कहते हैं युग में अब पंडोगढ़ धाम में विश्वकर्मा की दृष्टि हो गई है, ब्रह्मा की दृष्टि हो गई है, और भगवान ब्रह्मा ने और विश्वकर्मा ने अपने अंश के अनुयायी भेज दिए और उन्होंने अपने अपने होटल घर मंगला बनाना चालू कर दिया। आप बताओ जो 2-3-4 महीने में आए कि आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा, विकास दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। अब कल्पना करो यदि यही स्पीड बनी रही तो क्या होगा 1 साल बाद, हो जाए ना। तो हमारा कहने का मतलब आप लोगों से यह है, ये तीर्थ